तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ दो पार्ट्स पहले आप देख लिए होंगे। उसके साथ एक शॉर्ट्स डाला था कि फंड वगैरह कैसे ऐड करना है। ठीक है, उस शॉर्ट्स में देख लीजिएगा फंड कैसे ऐड करना। मिनिमम अप्रोक्स मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि जब $100 से ऊपर रहेगा तभी मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। ऑप्शन सेलिंग करो या फिर बाइंग करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली मैं करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास, क्योंकि इसमें मेरा होता है आज का एक्सपायरी, कल का एक्सपायरी, ठीक है, उसके बाद का, फिर एक हफ्ते का, वीकली एक्सपायरी, ये सारा एक्सपायरी होता है और मुझे बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके कि हमारा ये बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस है। ठीक है, किसके? बिटकॉइन के। अब देखो, जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने किया 28,500 पे, मैंने ये रहा क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही 28,500 पे क्लिक किया, ये रहा सी, मतलब हो गया कॉल साइड का। ठीक है, बीटीसी मतलब बिटकॉइन, 28,500 मेरा हो गया ये स्ट्राइक प्राइस, और ये हो गया मेरा डेट 30/8/2023, यही मेरा एक्सपायरी लगा हुआ है 30 अगस्त 2023 का। ठीक है, अगर इसी एक्सपायरी को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे कल का डाल दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31/08/23। क्लियर है? अब इसमें ये सारे प्राइजेस क्या हैं, सब कुछ समझेंगे। बेस्ट बिड क्वांटिटी तो ऑलरेडी बता चुका हूं, 1000 कॉन्ट्रैक्ट का होता है हमारा 1 BTC। ठीक है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारा होता है 1 BTC, जिसका रेट अभी चल रहा है 28,500। ठीक है, जैसे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी में रेट चलता है ना, निफ्टी का रेट चलता है, जो 18,000-19,000 लेवल रहता है, ये लेवल नहीं रहता, एक्चुअली ये रेट रहता है, रुपीज में रहता है, इंडियन रुपीज में। क्लियर है? उसी तरह बिटकॉइन का ये रहा डॉलर्स में रेट है। अब देखो यहाँ पे जैसे है एक बिड प्राइस, बिड प्राइस का मतलब क्या होता है कि ये रेट पे बायर्स लोग बाय करना चाहते हैं। ठीक है, यही रेट आपको यहाँ पे दिखेगा, $69, $68, $62, इस रेट पे इसको बायर्स लोग बाय करना चाहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक आता है, ये रहा आस्क प्राइस, जो सेलर जिस रेट पे बेचना चाहता है वो होता है हमारा आस्क प्राइस। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी सेम टू सेम होता है, लेकिन वॉल्यूम इतनी हाई होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम 120 पे खरीदना चाहें तो 120.22 पे भी खरीदा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गैप नहीं होते, लेकिन हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग में, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है। जैसे कि यहाँ पे जो खरीदना चाह रहा हूँ 58 का खरीदना चाह रहा है, जो बेचना चाह रहा है 72 का, काफी अच्छा गैप है, क्योंकि ये OTM है। ठीक है, OTM में सेलर इतने पे सेल करना चाह रहा है और बायर इतने पे बाय करना चाह रहा है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे है 28,500, ये रहा 28,500। ठीक है, इसको खरीदने वाला खरीदना चाह रहा है 72 के, तो अगर यहाँ पे आप बाय पोजिशन लगाओगे, ठीक है, ये रहा, मैं यहाँ पे बाय पोजिशन कर देता हूँ, ये रहा। जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय लॉन्ग किया, मतलब कि मैं कॉल बाय करना चाह रहा हूँ, तो बाय किस पोजीशन पे होगा? जिस रेट पे कोई सेल करना चाहेगा, है ना? तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे करूंगा बेस्ट ऑफर, हमेशा 100% टाइम्स आपको बेस्ट ऑफर लगा के ही ट्रेड लेना है, क्योंकि इससे आपका मार्केट ऑर्डर लगता है और चार्जेस थोड़ा सा कम पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको मेकर फीस और टेकर फीस पिछले वीडियो में बताया हूँ वो सारा चार्जेस लगता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफर क्लिक करूंगा, तो पहला फायदा तो ये हो जाता है कि आपका लिमिट ऑर्डर लग जाता है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस्ट ऑफर जो शो करेगा उसी में। तो इसको जो बेचना चाहता है कितने पे बेचना चाहता है, 82, तो जैसे यहाँ पे बेस्ट ऑफर करूंगा ना, तो बायर के लिए यही बन जाएगा मेरा प्राइस। ठीक है, 83.5 चेंज हो गया होगा, ये रहा 83.5 पे एक न्यू सेलर आया है जो इसको बेचना चाहता है, अगर मैं खरीदना चाहूं तो इसी को खरीद सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेल शॉर्ट करूंगा, मतलब मैं इसको सेलिंग करना चाहता हूं, ठीक है, तो किस रेट पे सेल होगा? ये उस रेट पे सेल होगा जहां पे कोई खरीदना चाहता है, अगर कोई खरीदार होगा तभी तो आप बेचोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सेल शॉर्ट करते हैं, यहां से यहां पे करते हैं इसको बेस्ट बिड। ये रहा आपका, ये बिकेगा कितने रुपए में पता है? आपका ये बिकेगा, बेस्ट बिडिंग आ रहा 69 रुपीज का। ठीक है, मतलब 69 रुपीज पे कोई ना कोई यहाँ पे बायर खड़ा है। ठीक है, ये रहा 67 आ गया, अभी अगर बेस्ट बिड करोगे तो यहाँ पे 67 आ जाएगा, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए डरिएगा मत, $1-2 का अगर ऊपर नीचे दिखाएगा तो डरना नहीं है। ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है, जैसे नया बायर या सेलर आता है तो वो बैलेंस हो जाता है। जैसे 65 आ गया, तो यहाँ पे देखो 65 आ गया, ये 64 है ना, अभी 64 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बेस्ट बिड करूंगा तो 64 आ जाएगा। देख लो कितना जल्दी जल्दी प्रीमियम डिके हो रहा है, तुरंत 63, 61,
क्लियर है। जबकि ये कॉल साइड का देखते हैं मार्केट किधर जा रहा है इसका। अगर चार्ट देखना होगा तो आप ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट देखिए, ये रहा थोड़ा सा नीचे आया बस मार्केट यहाँ से, यहाँ पे $3 67 से 61 देखते देखते $5 का प्रॉफिट। ठीक है, और हमेशा बताऊ इसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं ठीक है, क्योंकि डॉलर में चार्ज करता है। अभी जस्ट मैंने एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था, दिखा देता हूँ। नीचे आते हम लोग, ये रहा ऑर्डर हिस्ट्री पे गया मैं, जैसे ऑर्डर हिस्ट्री पे गया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले का ही ट्रेड है, मैंने 500 क्वांटिटी ठीक है 500 कॉन्ट्रैक्ट मतलब आधा बिटकॉइन मैंने बाय किया लिमिट लगा के 27,905 पे ठीक है। उसके बाद सेकंड और बाइंग ऑर्डर लगाया था लेकिन इसको कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि लिमिट गलत लग गया था, 26 पे लग गया था ठीक है। उसके बाद मैंने एक लगाया ब्रैकेट ऑर्डर ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर क्यों लगाते हैं अभी आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर सकते हो, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर सकते हो ब्रैकेट ऑर्डर पे ठीक है। तो मेरा जो ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था 940 का, मतलब 905 से 940 जाना चाहिए था ठीक है। मेरा एग्जीक्यूशन कितने पे हो 945 पे, क्योंकि बहुत हाई मोमेंटम था, ₹5 एक्स्ट्रा ही मिल गया क्लियर। और इसका डेट डेट और टाइम भी मिल जाएगा। अभी जस्ट लगाया था ऑर्डर, देखिए 29 अगस्त 11:13 पे मैंने ऑर्डर लगाया था ये वाला बाइंग वाला, और ये जो मेरा एग्जिट हुआ है पोजीशन ठीक है, ये हुआ है 29 अगस्त 11:45 पे, करीब आधा घंटा का ट्रेड चला था ठीक है। अब देखो यहां पे जो मेरा ओवरऑल पीएनएल है, यहां से दिखा सकते हैं, ये रहा पीएनएल एनालिटिक्स ठीक है, ये रहा मेरा ओवरऑल रियलाइज हुआ था $20 क्लियर है, और $20 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ था। लेकिन मुझे जो अभी तक ओवरऑल चार्जेस, ये ओवरऑल चार्जेस बता रहा है, एक दिन और इसमें ट्रेड मारा था मैं, तो ओवरऑल $12 के आसपास तो मेरा चार्ज ही कट गया है ठीक है। तो इसी कट गया, मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ $60 ठीक है, मल्टीप्लाई 85 से आसपास अभी चल रहा होगा कर लीजिएगा, करीब करीब ₹500 के आसपास मेरा बना है, दैट्स इट ठीक है। ये जो चार्ज कटता है 0.03% कटता है, ये आपको बाइंग के समय भी दिखा देगा। यहाँ पे आ जाओ देख लेते हैं, जैसे कि मैं गया फ्यूचर्स में, अगर मैं फ्यूचर्स बाय करना चाहूँ 500 कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, लीवरेज लेता हूँ मैं करीब करीब 50x का, ज्यादा लीवरेज लेना भी सही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीस दिखा देगा चार्जेस ठीक है, 0.02 अगर आप लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करते हो, अगर आप नॉर्मल ऑर्डर पे प्लेस करते हो तो 0.05 मतलब थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लग रहा है। यहाँ पे बेस्ट ऑफर क्लिक कर लेते हैं, बेस्ट ऑफर क्या मिल रहा है 27,950 यही पे मार्केट चल रहा है 950 का। अगर मैं बाय का ऑर्डर दबाऊं ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पूरा चीज दिखा देगा, ऑर्डर वैल्यू $13,975 का है ठीक है, लेकिन मुझे कितने बाय करने दे रहा है $279 ओनली एंड ओनली $250। अब मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है ये है, मार्जिन ये है 50x के हिसाब से ठीक है। अब इसमें एक आता है लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस ये होता है कि मतलब समझ लो आपने लीवरेज तो ले लिया भैया ठीक है, आपके पास ₹150 है ठीक, $150 आपके पास है लीवरेज ले लिया, अगर आपका लॉस स्टार्ट होना हुआ तो ऑटो कट कहाँ से होगा ठीक है, ऑटो कट कितने प्राइस पे होगा ये हमारा दिखाता है लीवरेज वाला ठीक है ऑप्शन। अब मुझे क्या करना है इसमें, ऑप्शन सेलिंग करना है। अच्छा बिटकॉइन का एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूं, ये रहा ये है मेरा बिटकॉइन का चार्ट। बोलोगे सर ये कौन सी बला है ठीक है, तो इस बला के पहले आप चार्ट देखिए ठीक है, इस तरह से रहता है ये चार चार दिन पांच पांच दिन तक इसी तरह से रहता है, और पीछे जाओ 24 अगस्त से लेकर आज तक ये करीब 400 पॉइंट के बीच में घूम रहा था ठीक है, 400 पॉइंट के बीच में घूम रहा था। इसके बाद अगर ये मोमेंटम आया तो हाई मोमेंटम आया सीधे 2000 पॉइंट का ठीक है। तो इसलिए आप बिटकॉइन में जब भी ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो, बिना स्टॉप लॉस के चलोगे तो अकाउंट साफ हो जाएगा, पैसा बनता है मानता हूं लेकिन अकाउंट साफ भी होता है, आखिर है तो ट्रेडिंग ही ना यार। अगर सदा मतलब इतना इजी पैसा बनता तो सबके सब बना लेते, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी रात को जॉब करके आए हैं सोचे सर हम ट्रेड कर ले, तो उन लोगों के लिए जैसे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते सीधे अपनी स्ट्रेटेजी से, सर हम स्ट्रेटेजी क्या यूज करने वाले, ऑप्शन सेलिंग कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, और कब ऑप्शन सेलिंग करेंगे कब बाइंग करेंगे, बाइंग भी करने वाले हम लोग ठीक है। बहुत क्विक मनी बनता है क्योंकि बस थोड़ा सा प्रेडिक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है। देखो अगर मैं देखूं कि मार्केट ने ये मोमेंटम दे दिया है ठीक है, स्टॉप लॉस तो मुझे लगाना ही है मुझे पता है ठीक है, तो 27,900 चलो ये मोमेंटम भी देख लेते कितने पॉइंट्स का मोमेंटम है। यहां से अगर मैं देखूं
तो करीब करीब ये 2000 पॉइंट का मोमेंटम है, करीब करीब 8% ये मूव कर गया है, ठीक है 8% के आसपास इसने मूव दे दिया है। तो अब क्या, अब तो ये साइलेंट रहने वाला है, ठीक है अब मैं कर दूंगा सेलिंग। अगर ये मोमेंटम दिया तो ज्यादा से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस कटेगा एक साइड का, एक साइड तो प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या किया, अब मैं सीधे सीधे लगाने वाला हूँ इसमें बास्केट ऑर्डर, ठीक है फार ओटीएम का, जहां तक मार्केट जा ही ना पाए। अगर पैसा कम मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी को चेंज करूंगा। देखो 30 अगस्त का एक्सपायरी, ठीक है ये एक्सपायर कब होगा, कल शाम को 5:30 बजे के आसपास, 5:30 PM के आसपास एक्सपायर हो जाएगा। अगर कल तक 27,900 से लेकर 28,500 तक अगर मार्केट नहीं आया, ठीक है कितने पॉइंट्स का सिक्योरिटी ले रहा हूँ मैं, करीब 600 पॉइंट है, ठीक है नीचे और 600 पॉइंट का ऊपर, ये अगर 1200 पॉइंट के बीच में अगर BTC घूमता रहा तो मुझे ये पूरा पैसा मिलेगा। अगर मुझे ये पूरा $66 चाहिए, ठीक है अगर पूरा $66 चाहिए तो मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचने पड़ेंगे, 1000, ठीक है। अगर मैं 500 कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो मुझे कितना मिलेगा इसमें से, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50%, करीब करीब आएगा इसका $33 के आसपास मुझे मिलेगा अगर 500 कॉन्ट्रैक्ट बेचा। तो अभी दिखाने के लिए कर दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बास्केट ऑर्डर ऑन किया, फार ओटीएम में चले जाते हैं, कल ही का डेट है यार 30 अगस्त, ठीक है अगर मोमेंटम मिल गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे कि मैं इसको करना चाहता हूँ सेल, ठीक है सेल लगा दिया, लिमिट प्राइस लगा देते हैं, जैसे कि ये रहा ऑर्डर बुक मेरा खुल गया, ठीक है 28,500 का है, 28,500 का 69 पे चल रहा है, बायर जो खड़ा है 69 पे खड़ा है, मुझे क्या करना है सेल करना, ठीक है तो 69.5 पे ही सेल मारते हैं, ठीक है 86 हो गया, 86 कर लेते हैं अपन भी, ये लीजिए। जब तक यहाँ पे कोई बायर नहीं मिलेगा मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। चलिए कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग, करीब 10 कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तो रहा कॉल के साइड का, सेम चीज मैं पुट के साइड करने वाला हूँ, 27,900 पे चल रहा है ना, मार देते हम लोग 27,900 पे, अगर है एक दिन की एक्सपायरी है 26,800 के आसपास का पुट मारते हैं, 26,800 का पुट, ये लो 26.5 के आसपास चल रहा है, इसका भी लिमिट प्राइस सेट कर देते हैं, कितने पे है 25.0 का हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट्स डाल देते हैं, उसमें कितना 10 कॉन्ट्रैक्ट्स डाले थे, इसमें भी 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हो सके चार्जेस ज्यादा चला जाए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ 100 डाल देते हैं इसलिए कि आप। अब मेरे को अवेलेबल मार्जिन 288 है, ठीक है ऑर्डर मार्जिन यहाँ पे रिफ्रेश करो, $55 मेरा कटेगा, क्लियर है। चलिए $55 प्लेस ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर मेरा सबमिट हो चुका है, अब ये चला जाएगा मेरे ओपन ऑर्डर्स पे, जब तक वहां पे कोई बायर नहीं मिलेगा तब तक वो ऑर्डर मेरा प्लेस नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले कुछ दिनों तक, ये रहा ओपन ऑर्डर्स में आपको दिखा देगा, 100 कॉन्ट्रैक्ट सेल मारा हूं मैं, ठीक है 100 कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। लिमिट प्राइस 25 का है, इसका 86 का है, और 0.1 BTC है क्योंकि 100 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अच्छा टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट आप यहां से सेट कर सकते हो, इसी को मैं बोला था ब्रैकेट ऑर्डर लगाने के लिए, जैसे कि ये रहा एंट्री प्राइस मेरा है 25 का, अभी चल रहा है 21 पे, टेक प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं टेक प्रॉफिट यहाँ पे $10 का डाल दिया, ठीक है हाँ ये मैंने डाल दिया है $10 USDT, ठीक है मेरा एंट्री प्राइस है 25 का, जब ये 10 पे आ जाएगा, मैंने सेल किया ना याद रखेगा 25 पे सेल किया, जब ये सेल पे आ जाए 10 पे आ जाएगा तो मेरा ऑटो एग्जिट हो जाएगा और मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा ये $1.50 का प्रॉफिट मिलेगा USDT, ठीक है ये बस शो करने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर यहीं पे स्टॉप लॉस में डालूंगा तो ऊपर के लिए डालूंगा कि समझिए कि 35 का मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया यहाँ पे, ये लो 35, यहाँ पे भी लिमिट प्राइस पे भी डाल दीजिए 35, ठीक है तो मेरा जो लॉस होगा यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट करके बता दिया, जो आपने डाला है ये सारे के बदले एग्जिट PNL ₹1.50 होगा, स्टॉप लॉस PNL -₹1 होगा, ठीक है -$1 मतलब ₹80 का, क्लियर है। तो कभी भी करिए तो कम से कम 500 कॉन्ट्रैक्ट्स में करिए ताकि फायदा भी दिखे आपको, अब ब्रैकेट कर दोगे तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट आ जाएगा, ये रहा आगे टारगेट पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, मैं कैंसिल ऑर्डर कर दे रहा हूँ, चलिए सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं। अब इसका कोई चार्ज कटा क्या सर, देख लेते, कोई भी चार्ज इसका नहीं कटता है, PNL एनालिटिक्स पे ये रहा, इसका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, सेम टू सेम फीस पेड ही है अभी तक,
अब अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है, आप सेम सपोर्ट एनालिसिस लगा सकते हो, इसमें भी जैसे 27,966 है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स में मैं बोलता हूँ, अगर एज अ बिगनर हो तो आप पहले पेपर ट्रेड ही करो, यहाँ से आ जाइए मॉक ट्रेडिंग पे जाइए, यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग जीमेल आईडी से कर सकते हो लॉग इन, जो जीमेल आईडी डेल्टा एक्सचेंज पे यूज किया वो जरूरी नहीं है उसको यूज करना, आप अलग भी यूज कर सकते हो, क्लियर हुआ। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से सेफली हेज करना, ठीक है, दूर का सेल करना, जहां पे मार्केट जा ना पाए स्टॉप लॉस जरूर लगाना, अच्छा खासा डीके मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स करना स्टार्ट भी कर दिए हैं, जबकि मैं मना किया था कि मैं वीडियो आने के बाद ही करेगा, फिर भी करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिटेबल भी है क्योंकि इजी प्रॉफिट बनता है, डीके अच्छा मिलता है, टाइम कम रहता है मार्केट के पास, ठीक है। और कभी बाई चांस अगर मूव दे दिया, ठीक है, जैसे आप एक महीने का चार्ट ओपन करिएगा, दो या तीन बार मूव मिलेगा, उससे ज्यादा मूव नहीं मिलेगा, तो आप मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा जो कि फिक्स रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर तो हम लगाएंगे ही। फॉर एग्जांपल अभी एक फ्यूचर बाय करके दिखा देते हैं, क्या लगता है आप लोगों को यहां से मार्केट कहां जाएगा। अगर मैं यहां बोलूं तो मार्केट एक बार इस लेवल को ब्रेक करने आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आ रहा है, ब्रेक कर देगा, ठीक है, और हो सकता है नीचे भी आ जाए। चलिए जल्दी से एक बार बाय करके देख लेते हैं। फ्यूचर्स में आइएगा, अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो डायरेक्ट मैं करता हूं बाय लॉन्ग बेस्ट ऑफर जो भी है, ठीक है। यहां पे मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट से करता हूं, ये रहा 100 कॉन्ट्रैक्ट्स किया, 50x का लीवरेज लिया हूं, तो मेरे को पड़ रहा है ये करीब करीब 55.97 डॉलर्स पे पड़ रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने बाय कर दिया। अब यहां पे मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है ऑलरेडी बता चुका हूं, तो प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ये रहा ऑर्डर सबमिट हो चुका है, ये ओपन ऑर्डर में चला गया होगा, ठीक है, थोड़े दिन में फुलफिल हो जाएगा क्योंकि पास का ही लगाया है। ये रहा ऑर्डर फिल हो चुका है, ठीक है। जैसे ऑर्डर फिल हुआ यहाँ पे शो कर दिया है। अब मेरा उम्मीद है कि सर इसके ऊपर जाए, जैसे पीएनएल अभी 0.05 यूएसडीटी दिखा रहा है, तो अब इसमें स्टॉप लॉस का टारगेट कैसे लगाए, यहाँ पे आ जाइए, ये रहा, इस पे आ जाइए टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। जो मेरा एंट्री प्राइस था ये था 978.5, ठीक है। मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 971, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स डाउन आ गए, इसलिए मेरे को इतने डॉलर्स का लॉस दिखा रहा है, 0.65 डॉलर्स का लॉस दिखा रहा है, डेढ़ डॉलर का, ठीक है। टारगेट कैसे सेट कर सकता हूँ, जैसे एंट्री प्राइस 978 है ना, तो मैं मानता हूँ कि 990 आया ना, मार्केट रिवर्स मार रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा रिवर्स मारेगा यहाँ तक ये रिटेस्ट करेगा, अगर 47 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। चलो टारगेट प्राइस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 28060 का रख लेते हैं टारगेट प्राइस, ठीक है, और स्टॉप लॉस प्राइस मैं रखूंगा 27947। ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मेरा ये वाला टारगेट हिट हुआ तो मेरा जो एग्जिट पीएनएल रहेगा करीब करीब 8 डॉलर का रहेगा, और अगर लॉस हुआ तो मेरे को करीब करीब -3 डॉलर का लॉस होगा इस रेट में, ठीक है। चलिए प्लेस कर देते ऑर्डर। अभी पहुंच जाएगा क्या स्टॉप लॉस के पास, ये इसलिए बोल रहा हूँ चार्ट हमेशा आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चार्ट थोड़ा सा डिले रहता है, तो ट्रेडिंग 40 कर सकते हैं इसको, आप ये लो 40 करोगे तो भी 3.5 डॉलर के आसपास का लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट ब्रैकेट, अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट सेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया टारगेट प्राइस है मेरा 28060, स्टॉप लॉस प्राइस है मेरा 27940, ठीक है, और लिक्विडेशन प्राइस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्केट प्राइस अभी 959 पे चल रहा है, अभी डेढ़ डॉलर दो डॉलर का लॉस हो रहा है, सिंपल, ठीक है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर हिस्ट्री में भी, ठीक है, 100 क्वांटिटी मैंने बाय किया है, स्टेटस फील्ड है मेरा, ठीक है, लिमिट प्राइस पे 985 पे मैंने बाय किया, ठीक है, एग्जीक्यूशन 978 पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है 12:21, देखते हैं स्टेट का क्या रिजल्ट होगा, चलने दो ट्रेड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 977 पे ऑलरेडी आ चुका है। मैं मेनली बताना चाह रहा हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी इसमें आप कर सकते हो, अगर आपका एनालिसिस सही है, कुछ पॉइंट्स अगर आप गेन करना चाहते हो तो। और ये रहा यहाँ पे चार्ट पे ही आपको शो कर दिया कि कहाँ पे आपका ब्रैकेट ऑर्डर है, ये रहा ब्रैकेट ऑर्डर का ट्रिगर पॉइंट, ये रहा स्टॉप लॉस पॉइंट, ये रहा आपका जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसका क्या पोजिशन अभी चल रहा है, -1 डॉलर के आसपास का पोजिशन अभी चल रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, तो मेरे को क्या करना है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। इसके बाद मैं जो करने वाला हूँ मेनली ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाला हूँ, फार ओटीएम सेल मारेंगे,
कुछ भी नहीं करना है, आपको एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो अगर कम पैसे में मिल रहा है। जैसे कि मैं चाह रहा हूं सर कि ना मार्केट है यहाँ पे 27,900 पे, मैं चाह रहा हूँ 30,000 का, ठीक है, कि 30,000 भाई नहीं जा सकता मार्केट, नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट मोस्टली इस पॉइंट्स के बीच में घूम रहा है, अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो करीब करीब 2000 पॉइंट के बीच में घूम रहा था, भाई हम 2000 दूर का सेल मारेंगे, ठीक है। और जब कभी भी ऐसा मोमेंटम आए जैसे कि ये वाला मोमेंटम आया, ठीक है, अभी 2 महीना पहले या 1 महीना पहले ये वाला मोमेंटम आया था, तो सीधे मेरे को स्टॉप लॉस देगा, एक साइड का कॉल साइड का और पुट साइड का प्रॉफिट तो देगा ही, ठीक है। तो छोटा मोटा लॉस होगा, बड़ा लॉस भी नहीं होगा। और इसी तरह से ये 1 डे टाइम फ्रेम लगा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेते हैं वापस से, ये रहा। नॉर्मली यहाँ का मार्केट थोड़ा सा शांत ही रहता है और गैप अप और गैप डाउन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ 27,900 पे मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ 27,900 पे मार्केट है, मैं चाह रहा हूँ 2000 पॉइंट ऊपर का सेल करना, मतलब 28,900 30,000 का सेल करना, ठीक है। चलो 30,000 के कॉल पे चलते हैं, 30,000 का कॉल, 29,300 का कॉल है, $7 चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा यार, सिंपली एक्सपायरी चेंज कर लूंगा इसको, ये लो 31 अगस्त, एक दिन बाद का कर लेते हैं, 29,800 का $28 का चल रहा है, बस इसको सेल मार देंगे हम लोग शांति से, ठीक है, जिस रेट पे भी मिल रहा है, अगर सेम रेट चाहिए। हाँ, एक और चीज, जैसे ही आप सेल मारोगे, ठीक है, अगर आप मार्केट ऑर्डर पे या फिर जिस रेट पे भी बायर्स खड़े हैं उसी रेट पे सेल मारोगे, तुरंत आपका ना यहाँ पे लॉस शो करेगा, तो उससे आपको डरना नहीं है, वो लॉस नॉर्मल रहता है। थोड़ी देर में जैसे यहाँ पे चेंज होंगे ना बायर्स और सेलर, जैसे रेट चेंज होगा वो आपका ग्रीन में आ जाएगा, तो वो भी करके। पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुका है आई थिंक, ऑर्डर फील्ड कौन सा हुआ है पता नहीं, देख लेंगे ऑर्डर हिस्ट्री। हाँ देखो, ब्रैकेट का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, ठीक है, 27,940 का ब्रैकेट का ऑर्डर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो टारगेट वाला जो स्टॉप लॉस लगाया था वो क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं ओवरऑल लॉस कितना हुआ, यहाँ पे पीएनएल रिपोर्ट पे चले जाते हैं, एनालिटिक्स पे, ठीक है, ये करीब अभी जो था मेरा 20 के आसपास दिखाया था ना, वही $3.75 मेरा अभी लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो चार्जेस कितने कट गए, 16.24, करीब करीब $3 तो आसपास मेरा चार्जेस ही कट गया है ना।